आज का हम लोगों का रिवीजन का एजेंडा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अगर पूरा नाम देखेंगे तो अकाउंटिंग फॉर या इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन दी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का अकाउंटिंग है या इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इसमें दो पोर्शन है। एक है कि अगर आप फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, एक है अगर आपका फॉरेन में कोई ब्रांचेज वगैरह है तो उसका अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है। जो फॉरेन के ब्रांचेज होते हैं उनको फॉरेन ऑपरेशन बोला जाता है, फॉरेन ऑपरेशन। उसमें ब्रांचेज, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, फॉरेन कंट्री में जो भी हो सब आता है। वहां पे अगर आपने एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया है तो उसको फॉरेन ऑपरेशन बोलते हैं। ये फॉरेन ऑपरेशन का दो तरह का फॉरेन ऑपरेशन होता है, एक को बोलते हैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और एक को बोलते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ये इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का सारा डिस्कशन आपके ब्रांच वाले चैप्टर में अच्छे से कराया गया है और ब्रांच के रिवीजन में भी आप लोगों को करवा दिया गया है या करवा दिया जाएगा। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो खाली फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ना है, बस ये पोर्शन लेफ्ट आउट है। ओके, तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट है, मान लो मैंने फॉरेन कंट्री में कहीं पे एक तो एक्सपोर्ट किया या वहां से कुछ इंपोर्ट किया या वहां से कोई लोन लिया या वहां पे कोई एसेट खरीदा, मतलब कोई भी एक ऐसा ट्रांजैक्शन विच इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, माने डॉलर में सेल परचेज हुआ, मान लो डॉलर में पेमेंट रिसीव करना, मतलब अल्टीमेटली द ट्रांजैक्शन विल बी सेटल्ड बाय आइदर पेइंग और रिसीविंग द फॉरेन करेंसी, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो इसमें टोटल मिलाकर के चार स्टेप है, इजी इजी 5 मिनट का रिविजन है। सबसे पहले पहली बार जब लिखेंगे किसी भी ट्रांजैक्शन को, इनिशियल जब रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, द आंसर इज उस दिन का स्पॉट रेट से, SPOTR नहीं होगा, उस दिन के स्पॉट रेट से। तो मान लो ट्रांजैक्शन था एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट था $100 का, डेट था 1 फरवरी 2020, डेट ऑफ सेल उस दिन $1.70 था, तो जर्नल एंट्री विल बी डेटर्स टू सेल्स 7000। क्योंकि उस दिन का स्पॉट रेट 70 रुपया था, तो 100 को 70 से मल्टीप्लाई किए 7000 आ गया, डेटर्स टू सेल्स 7000 लिख दिए। इसमें एक एक्सेप्शन है छोटा सा, आपको काम नहीं आएगा फिर भी सुना देता हूं। अगर आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं तो सारे ट्रांजैक्शन, जैसे हफ्ता भर के सारे ट्रांजैक्शन को आप एक्यूमुलेट कर लिए और हफ्ता भर का जो एवरेज रेट था उससे सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ हफ्ता के बाद लिख सकते हो। वीकली ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग भी, वीकली फोर्टनाइटली भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, पर हम लोगों के एग्जाम में जो ट्रांजैक्शन होगा उस दिन का स्पॉट रेट दिया रहेगा, हम लोग वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका सेकेंड एपिसोड है सेटलमेंट। मान लो 14 मार्च को हम लोग को डॉलर रिसीव हो गया, $100 पूरा रिसीव हो गया, और जब रिसीव हुआ तो उस दिन का, माने 14 मार्च का $1 था ₹72, तो हम लोगों को प्रॉफिट हो गया। सोचो क्यों, क्योंकि हम लोग जब बेचे थे तो $70 का दाम था, लेकिन जब पैसा मिला तो $72 का दाम है, तो अपने को पैसा 7200 मिलेगा, तो नेचुरली प्रॉफिट हो गया। तो ₹72 का जो स्पॉट एक्सचेंज रेट है उस दिन का, 14 मार्च को एक और ट्रांजैक्शन हुआ विच इज कॉल्ड मनी रिसीव्ड, तो वो भी स्पॉट रेट से कन्वर्ट होगा, एंड द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट 7200, टू डेटर्स 7000 और टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ₹200। ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का अकाउंटिंग के लिए AS 11 बनाया गया कि आपने जिस दिन सेल किया और जिस दिन पैसा आया, जिस दिन परचेज किया और जिस दिन पेमेंट किए, उसके बीच में जो भी फ्लक्चुएशन होगा दैट फ्लक्चुएशन विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम इस फ्लक्चुएशन को अभी थोड़ी देर के बाद PL में भेज देंगे। सो माय नेक्स्ट एंट्री इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू PNL एंड द बेसिक स्टोरी इज ओवर। अब आइए थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी, दो पार्ट मैंने बोल दिया बेसिक का, थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी क्या है कि मान लो ट्रांजैक्शन सेटल नहीं हुआ, पैसा आया नहीं और ईयर एंड आ गया, अगले साल पैसा आएगा, तो मेरे बैलेंस शीट में एक डेटर खड़ा रहा है
और वो डेटर ऐसा है कि जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है, फॉरेन करेंसी में पैसे आएंगे मेरे पास। तो इस डेटर को बैलेंस शीट में किस दाम में रिकॉर्ड करें, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ने अलग से रूल बनाया है, सुनना। AS 11 बोला कि अगर कोई भी मॉनिटरी असेट और मॉनिटरी लायबिलिटी है, लाइक डेटर, क्रेडिटर, लोन, कैश, बैंक, तो ईयर एंड में क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से उसको रीस्टेट करना होगा। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा अभी। और अगर कोई नॉन मॉनिटरी असेट है, नॉन मॉनिटरी असेट तीन ठो होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री और फिक्स्ड असेट, ब्रांच में पढ़ाए हैं आप लोगों को। तो अगर कोई नॉन मॉनिटरी असेट है आपके पास, तो आपको पता करना पड़ेगा वेदर दैट इज मेजर्ड एट कॉस्ट और दैट इज मेजर्ड एट अदर वैल्यूएशन। इफ इट इज मेजर्ड एट कॉस्ट, देन वी विल यूज द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेस ऑफ दैट असेट, एंड इफ इट इज मेजर्ड एट अदर वैल्यूएशन, देन डेट ऑन द या रेट ऑन द डेट ऑफ दैट वैल्यूएशन। सेम ब्रांच वाला स्टोरी है, इंटीग्रल ब्रांच वाला। अब क्योंकि मेरे एग्जाम्पल में मेरा कोई इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड असेट नहीं है, मेरे एग्जाम्पल में डेटर है, क्योंकि सिर्फ ये तीन आइटम ही नॉन मॉनिटरी आइटम है, बाकी सारी आइटम मॉनिटरी आइटम होती है। नॉन मॉनिटरी मीन्स जिसका मार्केट प्राइस रोज गिरता बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री और फिक्स्ड असेट के मार्केट प्राइस रोज गिरते बढ़ते रहते, तो नॉन मॉनिटरी हो गया, बाकी मॉनिटरी हो गया, डेटर, क्रेडिटर, लोन वगैरह। तो मेरा डेटर है, तो मेरे को डेटर को, ये जो डेटर आप देख रहे हो, 1 फरवरी को जो डेटर पैदा हुआ, 14 मार्च को पैसा नहीं आया, मैं तीसरा स्टोरी सुना रहा हूं कि मान लो 14 मार्च को ये पैसा नहीं आया और ये मेरा डेटर बैलेंस शीट में खड़ा है मान लो, तो मुझे डेटर को रीस्टेट करना पड़ेगा। और रीस्टेट कैसे करूंगा कि 31 मार्च को जो एक्सचेंज रेट है स्पॉट वाला, तो 31 मार्च को स्पॉट रेट है मान लो 75, तो मुझे डेटर को 75 पे लिखना पड़ेगा। जो डेटर ऑलरेडी 70 पे 70,000 लिखा हुआ है, 7,000 लिखा हुआ था, 100 × 70, मुझे 100 × 75 करके 7500 में लिखना पड़ेगा। तो मुझे डेटर को बढ़ाना होगा, एंड माई एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 500 रुपया। इससे मेरा बैलेंस शीट में डेटर 7500 हो जाएगा, जो 7000 था, और ये 500 मेरे पीएल में चला जाएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के नाम से। पीएल में हम इसको अदर इनकम में दिखाएंगे और डिस्क्लोजर अलग से करेंगे कि अदर इनकम फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के नाम से आया है, उसका नोट बनाएंगे कि दिस अदर इनकम इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अब अगर 15 अप्रैल को यह डेटर पैसा दे देता है, तो 15 अप्रैल का जो स्पॉट रेट है, मान लो 15 अप्रैल का स्पॉट रेट है $1 = 74, अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मेरे को 100 रुपया का लॉस हो गया, क्योंकि अब मेरे को 74 पे लिखना पड़ेगा, तो माई बैंक डेबिट 7400 रुपया और माई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट 100, सोचना, टू डेटर 7500। व्हाई डिड आई राइट टू डेटर 7500? क्योंकि 31 मार्च को मेरे बैलेंस शीट में डेटर 7500 है, उसी डेटर को मुझे अब खत्म करना है, क्योंकि पैसा आ गया, और पैसा जब आया तो 7400 आया, 7400, तो मेरे को 100 रुपया का लॉस हुआ, वो लॉस फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के नाम से पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ज्यादातर केसेस में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का पैसा पीएनएल में जाता है, और ज्यादातर केसेस में, चाहे इनिशियल रिकॉर्डिंग हो, चाहे सेटलमेंट के वक्त रिकॉर्डिंग हो, स्पॉट रेट पर रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजेक्शन की। और ईयर एंड के केस में नॉन मॉनिटरी आइटम अगर कॉस्ट पे मेजर हुआ है, तो परचेज वाला रेट लेना पड़ता है, जिस दिन परचेज किए थे उस दिन डॉलर का क्या रेट था, और अगर वो असेट ही फेयर वैल्यू पे वैल्यू हुई है, तो जिस दिन आपने फेयर वैल्यू निकाला था उस दिन वाला एक्सचेंज रेट लेना पड़ता है कन्वर्ट करने के लिए। और बाकी जितना भी मॉनिटरी असेट, मॉनिटरी लायबिलिटी है, उनके लिए ईयर एंड में क्लोजिंग रेट लेकर के डेटर को, क्रेडिटर को रीस्टेट करते हैं, जैसा मैंने इस एग्जांपल में किया। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग प्रोसेस यहां पे खत्म होता है। सेकेंड पॉइंट या अगला बात, अगर कभी आपको पता चल गया कि कोई फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन हुआ है, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो आपने आज $100 का माल एक्सपोर्ट कर दिया, अब मान लो वो डॉलर आपके पास 6 महीना बाद आएगा, उधार में बेचे हैं, 6 महीना बाद आपको मिलेगा। अब 6 महीना में अगर डॉलर का रेट जो 70 में आपने मान लो माल बेचा था, 70 रुपया पर डॉलर में, वो अगर गिर के 60 रुपया हो जाता है, तो आपको तो 10 रुपया का नुकसान हो गया। वो अगर 1 करोड़ डॉलर हो तो 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा खाली डॉलर के गिरने की वजह से, आपका तो कोई गलती नहीं है, डॉलर गिर गया।
और वही डॉलर बढ़ जाने से प्रॉफिट भी हो सकता है। तो आपको इससे बचने के लिए आप बैंकों में जाकर के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। आप बैंकों को बोल सकते हैं कि 6 महीना बाद मेरा डॉलर आएगा, हम आपको डॉलर दे देंगे, आप हमको अभी रेट बताइए कि हमको क्या रुपया मिलेगा उस वक्त अगर हम आपको डॉलर दे देंगे तो बैंक आपको फॉरवर्ड रेट दे देगा। बैंक आपको बोल देगा कि हम 72 देंगे, तो बस आपका जितना भी रेट रहेगा उस दिन 80, 90, 70, 60, 40 आपको बैंक 72 दे देगा। तो ये जो 72 आपको बैंक बोला हम दे देंगे, तो आपका तो डेटर 70 में आपने बुक किया था, सेल जब किए थे तो 70 रुपीज पर डॉलर था और आपको 72 में फॉरवर्ड मिल गया, तो आपको ये जो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ ये 6 मंथ में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे बुक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 फरवरी को माल बेचा है 1 फरवरी को, और पैसा आपका अगर आने वाला है 1/8 को, माने 31 जुलाई को पैसा आने वाला है, तो आपको ये जो 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ, $100 है तो मान लो 200 रुपया का जो फॉरवर्ड की वजह से प्रॉफिट हुआ आपका, तो 72 मिलेगा ना 70 की जगह, बैंक ने बोला है ना, तो आप इस 200 रुपया का प्रॉफिट को फेब्रुवरी और मार्च 2 महीना का प्रॉफिट को इस साल में लिखिएगा, और अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना का प्रॉफिट को अगले साल में लिखिएगा। माने 200 रुपया को 2:4 में डिवाइड कर दीजिएगा, और 200 रुपया को 2:4 में डिवाइड करेंगे तो 67 और 133 आएगा। 67 रुपीज का प्रॉफिट इस साल में लिख दीजिएगा, 133 रुपीज का प्रॉफिट अगले साल में लिख दीजिएगा। लेकिन फॉरवर्ड अगर आप बैंक से बुक करते हैं तो आपका रेट फिक्स हो गया, फिर डॉलर गिरे बढ़े आपको तो 72 ही मिलेगा। तो आपका क्लियर हो गया, आपको तो 2 रुपया प्रॉफिट ही होगा चाहे डॉलर कहीं भी चला जाए। अगर ये फॉरवर्ड 72 की जगह 69 में आपको मिलता तो आपका 1 रुपया लॉस होता। उस 100 रुपया के लॉस, $100 इक्वल टू $100 के लिए 100 रुपया हो गया, एक को मैं 100 बोलता हूं तो वो सिमिलरली 2:4 में डिवाइड करके लॉस भी वैसे ही बुक हो जाता। वो जो 100 रुपया 200 रुपया का जो फिगर है ना, उसको फॉरवर्ड प्रीमियम बोला जाता है या फॉरवर्ड डिस्काउंट बोला जाता है। अब एक लास्ट टॉपिक AS 11 का, कि कभी कभी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन पीएल में नहीं भी जाता है, नहीं जाता है। कब? मान लीजिए आप एक लोन लिए फॉरेन कंट्री में, लोन जब लिए तो 70 रुपया एक्सचेंज का रेट था डॉलर का, ईयर एंड में आपने लोन को रीस्टेट किया तो 72 रुपीज का रेट है ईयर एंड में। लोन इज ए मॉनिटरी लाइबिलिटी, नीड्स टू बी रीस्टेटेड यूजिंग क्लोजिंग रेट, तो आपको 2 रुपया पर डॉलर का नुकसान हो गया। और आपका $100,000 का लोन था तो $100,000 में आपको ₹2,00,000 का नुकसान हो गया। लोन को जब आप बढ़ा करके लिखे तो आपको ₹2,00,000 का नुकसान हो गया। ये लोन का लॉस का पैसा जनरली पीएल में जाता है, पर अगर ये लोन आपने असेट खरीदने के लिए लिया है, कोई भी फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए लिया है, और ये लोन लॉन्ग टर्म लोन है, माने अगले 1 साल के अंदर अंदर अगर ये लोन रीपेएबल नहीं है, तो आप इस लॉस को पीएल में नहीं भेज के असेट के साथ जोड़ सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके पास, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू पीएनएल यू कैन कैपिटलाइज द लॉस। जो एंट्री आप पीएनएल टू एफईएफ करते हैं ना, ये जैसे एंट्री आप करते हैं ना, एफईएफ टू पीएनएल या पीएनएल टू एफईएफ, इसकी जगह आप असेट लिख सकते हो, पीएनएल की जगह असेट लिख सकते हो। प्रोवाइडेड क्या बोलिए तो, लोन होना चाहिए लॉन्ग टर्म और लोन का यूज होना चाहिए असेट को खरीदने को लेके। और ये जो ऑप्शन दिया गया है कि आप लोग फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के लॉस को कैपिटलाइज कर सकते हो, ये 31/3/20 तक ही है। मतलब इस एग्जाम, ये जो एग्जाम आप नवंबर 20 में दोगे, माने मई एग्जाम में ये शायद रेलेवेंट नहीं रहेगा, अगले मई 21 वाले एग्जाम में, क्योंकि मई 21 वाले एग्जाम में मार्च 21 का पेपर आएगा। अभी क्योंकि मार्च 20 का पेपर है, 31 मार्च 20 तक ही एक्सटेंशन है ये वाला ऑप्शन का, तो ये वाला एग्जाम में आपके पास ये ऑप्शन रहेगा। तो सर ऑप्शन क्या है? लोन लॉन्ग टर्म होना चाहिए,
लोन का पैसा एसेट खरीदने के यूज में होना चाहिए, तो लोन के फ्लक्चुएशन में होने वाले प्रॉफिट लॉस को एसेट के साथ जोड़ने का मेरे पास एक ऑप्शन है। हम उस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, और पीएल वाला ऑप्शन तो है ही, वो भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों में जो भी ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, वंस ऑप्टेड ऑप्टेड फॉर एवर। वन लोन के लिए इट इज ऑप्टेड फॉर अदर लोन्स ऑल्सो। जो भी ऑप्शन मैं लूंगा उस वो रिवोकेबल नहीं है, द ऑप्शंस आर इरिवोकेबल इन नेचर। तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन है कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि कभी कभी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के लॉस को या प्रॉफिट को पीएल में नहीं बेच के हम कैपिटलाइज कर सकते हैं क्या। द आंसर इज हां, और कब और कैसे मैंने आपको बता दिया, बट दैट इज ऑप्शनल। कोई जरूरी नहीं कि आपको कैपिटलाइज ही करना है। इवन इन दिस केस भी, लोन लिए, लॉन्ग टर्म लोन है, असेट में लगाए, पर हमने ऑप्शन लिया हम तो पीएल में ही भेजेंगे, तो हम 2 लाख के लॉस को पीएल में भेजेंगे, मेरे पास ऑप्शन है। सो आई एम हैविंग बोथ द ऑप्शंस, आइदर आई कैन सेंड इट टू पीएनएल और आई कैन कैपिटलाइज इट। और नवंबर वाली जो एग्जाम होगी, चाहे कभी भी हो, नवंबर से मई के बीच में यह ऑप्शन रहेगा। सो विद दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का रिविजन इज ओवर। थैंक यू।